अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने चैप्टर नंबर 1 का नेक्स्ट टॉपिक, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। लेक्चर 2 है हमारा। फर्स्ट यूनिट में हमने ड्राइव यूनिट, बेस यूनिट पढ़े थे जो कि फिज़िकल क्वांटिटीज़ के। अब इसमें देखेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता क्या है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। द इंटरनेशनली अडॉप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट यूज बाय ऑल द साइंटिस्ट एंड ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। यानी कि एक ऐसा सिस्टम अपनाया गया ना इंटरनेशनल लेवल पे जिसे सब साइंटिस्ट ने भी माना, और उसके अलावा ना तमाम कंट्रीज़ में भी वही सिस्टम चलता है, तो उसे उन्होंने SI यूनिट का नाम दे दिया। ठीक है, SI यूनिट क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इट कंसिस्ट ऑफ 7 बेस यूनिट के, इसमें 7 बेस यूनिट हैं, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट एंड अ नंबर ऑफ ड्राइव यूनिट। ठीक है, तो ये इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की आपके पास डेफिनेशन हो गई है। जी स्टूडेंट, सबसे पहले हम देखते हैं इसमें बेस यूनिट क्या होते हैं। द यूनिट एसोसिएटेड विद द बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट। यानी कि वो यूनिट जो कि बेस क्वांटिटीज़ के लिए इस्तेमाल किए जाएँ वो हमारे पास बेस यूनिट कहलाते हैं। जैसे कि टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, हमने पढ़ा है यहाँ पर है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट के लिए कि बेस क्वांटिटीज़ यानी कि बेस यूनिट हमारे पास 7 इस्तेमाल किए गए हैं। देखिए लेंथ के लिए, जैसे कि हम सिंबल नेम है ना, इसका लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, मीटर M से शो करते हैं। ठीक है, मास के लिए किलोग्राम, kg से शो करते हैं। टाइम के लिए सेकेंड, जिसे S से शो करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर, जिसे A से शो करते हैं। थर्मोडाइनमिक्स के लिए केल्विन, जिसे K से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सम मोल में करते हैं, MOL इसका होता है। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए कैंडेला, जिसे CD से शो किया जाता है। तो ये हमारे पास बेस यूनिट आ गई। इसी तरह आप ड्राइव यूनिट पे आ जाए। दी यूनिट एसोसिएटेड विद दी ड्राइव क्वांटिटीज आर कॉल्ड ड्राइव यूनिट। न्यूटन, वॉट, अब ये देखिए जैसे न्यूटन है ना, तो ये फोर्स का यूनिट है। ठीक है, वॉट हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का है। ये हमारे पास इस तरह से यूनिट आए। तो ड्राइव यूनिट के भी इसी तरह आपको मैं बताती हूँ कि कौन कौन से के लिए क्या क्या यूनिट है। देखिए हमारे पास एरिया आ रहा है ना, तो एरिया के लिए ड्राइव यूनिट क्या है? मीटर स्क्वायर। वॉल्यूम है तो मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी है तो मीटर क्यूब एंड kg पर मीटर क्यूब आ गया। स्पीड के लिए मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन के लिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स के लिए हमारे पास kg और या न्यूटन हमारे पास आ जाता है। प्रेशर के लिए पास्कल, और एनर्जी के लिए जाउल। तो ये हमारे पास ये ड्राइव क्वांटिटीज़ हैं और ये इनके आगे से यूनिट्स आ गए। ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने बेस यूनिट देखे और ड्राइव यूनिट देखे। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह साइंटिफिक नोटेशन, सप्लीमेंट्री यूनिट देखेंगे, और सप्लीमेंट्री यूनिट के आगे से रेडियन और स्टी रेडियन होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।